हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल आरबीएस फिजिक्स पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, ऑल करें, जिससे कि हमारे वीडियो के अपलोड होते ही इसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसके पहले वाले जो हमारा वीडियो था तो उसमें हम लोगों ने माइक्रोस्कोप पढ़ा था, सूक्ष्मदर्शी, छोटी चीज़ों को बड़े रूप में दिखाने के लिए जिस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं उसे हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ये दूरदर्शी है। एस्ट्रोनॉमिकल या खगोलीय इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है उल्टा बनता है। पृथ्वी की चीज़ को देखने के लिए अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो उल्टी चीज़ें दिखाई पड़ेगी। चीज़ सीधी है लेकिन हमको दिखाई पड़ेगी उल्टी। जैसे मान लीजिए कोई कार जा रही है तो उल्टी दिखाई पड़ेगी, उसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, आदमी का प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। तो लेकिन आकाश में कोई भी चीज़ है तो उसमें उल्टा सीधा नहीं होता, इसीलिए ये खगोलीय दूरदर्शी है। अर्थात इस दूरदर्शी को से हम केवल वही वस्तुओं को देख सकते हैं जिसमें सीधा और उल्टे का सवाल नहीं है, राइट। खगोलीय दूरदर्शी में एक बड़ा लेंस लेते हैं, बड़ा लेंस। ये बड़ा लेंस इसलिए लेते हैं क्योंकि बहुत दूर से किरणें आनी रहती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश आए जिससे कि जो प्रतिबिंब बने वो चमकदार बने। चमकदार प्रतिबिंब बने इसके लिए बड़ा लेंस लेते हैं। तो इसमें जो अभिदर्शक है, ऑब्जेक्टिव है, इसकी फोकस दूरी भी बड़ी है, यहाँ से यहाँ तक है, और इसका मुख व्यास द्वारक ये भी बड़ा है, द्वारक भी बड़ा है जिसे मुख व्यास कहते हैं, और फोकस दूरी भी बड़ी है। तो जो अभिदर्शक है इसका द्वारक अपर्चर, द्वारक यानी अपर्चर, बड़ा, और फोकस दूरी बड़ी। तो अपर्चर बड़ा और फोकस दूरी बड़ी। तो इसकी फोकस दूरी क्योंकि अब दर्शक है ऑब्जेक्टिव ओ, इसलिए इसको हमने एफ ओ लिखा। वस्तु दूर बहुत है, अनंती से आ रही किरणें आपस समानांतर हैं, मुख अक्ष के समानांतर हो आवश्यक नहीं है, हमने मान लिया मुख अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाती हुई किरणें आ रही हैं। ये जो हमारा फोकस तल है वहीं पर आकर इकट्ठी हो जाएंगी, यहाँ पर ये ए बी प्रतिबिंब बना। तो अभिदर्शक के द्वारा जो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है वो अनंती पर की वस्तु का प्रतिबिंब है जो यहाँ बनता है। अभी ये छोटा है, इसको और साफ देख सकें हम एक दूसरे लेंस का प्रयोग करते हैं, जो छोटा लेंस है और फोकस दूरी भी छोटी है, लेंस भी छोटा है फोकस दूरी भी छोटी है। छोटा इसका इसलिए लेंस लेते हैं, इसलिए इसका द्वारक छोटा लेते हैं जिससे कि जो भी प्रकाश है वो कम जगह में और एकत्रित होकर के चमकीला प्रतिबिंब बनाए। अगर बड़ा लेंस होगा तो प्रकाश फैल जाएगा और प्रतिबिंब जो बनेगा वो बहुत चमकीला नहीं बनेगा, इसीलिए इसका जो अपर्चर है छोटा लेते हैं और फोकस दूरी भी छोटी लेते हैं। और ये इसका ये प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनाया। ये तो हो गया कि कैसे इसने प्रतिबिंब बनाया। चूँकि ये लेंस हमारी आँख के पास रहता है इसलिए इसको हम नेत्रिका या आई पीस कहते हैं। ये दोनों लेंस एक बड़ी नली के अंदर ये रहता है, एक छोटी नली रहती है उसमें ये लगा रहता है, और दोनों नलियाँ एक दूसरे के अंदर आ जा सकती हैं। इसके बीच की दूरी को हम आगे या पीछे करके और प्रतिबिंब हमको साफ दिखे इसको हम एडजस्ट करते हैं रैक एंड पिनियन मेथड से, यानी उसमें एक घुमाने के लिए ऐसे बना रहता है, ऐसे ऐसे घुमाते जाएंगे तो नज़दीक या दूर जाएगा, इसे हम रैक और पिनियन कहते हैं, उससे ज़्यादा या कम आगे या पीछे नहीं जाएगा, थोड़ा थोड़ा आगे या थोड़ा थोड़ा पीछे जा करके हम इसको एडजस्ट करते हैं। ये तो हो गया इसका कैसे इसमें प्रतिबिंब बना। हमको निकालना है इसका आवर्धन कितना होगा। आवर्धन, आवर्धन मैग्निफिकेशन यम, आवर्धन बराबर होता है
प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनने वाला कोण और वस्तु द्वारा आंख पर बनने वाला कोण। आप यहां अगर ध्यान से देखें तो ये प्रतिबिंब है हमारा, ये ए डैश बी डैश है और आंख पर वो बीटा कोण बनाता है। ये किरण जा रही है, ये बीटा कोण बनाता है, बीटा। तो आंख पर बनने वाला कोण या नेत्रिका पर बनने वाला कोण ये है बीटा। ये जो किरणें अनंती से आ रही हैं यानी वस्तु से आ रही हैं वो इस पर तो नहीं पड़ रही हैं, वो इस पर पड़ रही हैं, इस पर कोण अल्फा बना रहे हैं, लेकिन इनके बीच की दूरी इतनी कम है कि जो कोण यहाँ बनेगा वही कोण यहाँ भी बनेगा, आँख पर भी बनेगा। इसलिए यहाँ पर बनने वाले कोण को ही हम आँख पर बनने वाला कोण ले लेते हैं क्योंकि दूरियाँ बहुत ही कम हैं। तो आवर्धन प्रतिबिंब का दर्शन कोण, उसे हम दर्शन कोण कहते हैं, आंख पर बनने वाला कोण। प्रतिबिंब का दर्शन कोण बीटा, अपान वस्तु का दर्शन कोण अल्फा। प्रतिबिंब का दर्शन कोण बीटा, आंख पर बनने वाले कोण को दर्शन कोण कहते हैं और वस्तु के द्वारा आंख पर बनने वाला कोण अल्फा। हमने आपको बताया कि अल्फा कोण यहां बनता है ऑब्जेक्टिव पर, अवदर्शक पर, लेकिन इसकी इसकी बीच की दूरी कम है इसलिए यही कोण यहां भी बनेगा, इसलिए ये वस्तु का दर्शन कोण हो गया, यानी हमारी आंख पर बनने वाला कोण यही हो गया। कोण छोटे हैं इसलिए हम इनको टैन में बदल देते हैं। चूंकि कोण छोटे हैं और इसलिए यम बराबर टैन बीटा अपान टैन अल्फा, टैन बीटा अपान टैन अल्फा। हम टैन बीटा और टैन अल्फा का मान रख देते हैं। यहां ध्यान से आप देखें तो टैन बीटा बराबर है लंब बटा दिस डिस्टेंस बी ओ डैस यानी यू ई। इसके लिए ये वस्तु की दूरी है क्योंकि इसका जो प्रतिबिंब है वही इसके लिए वस्तु का कार्य करता है और इसलिए ये दूरी यू ई हुई, तो हो गया ए बी अपान यू ई। यम इज इक्वल टू ए बी अपान यू ई, और टैन अल्फा बराबर टैन अल्फा। देखें यहां लंब तो ए बी ही है लेकिन दूरी यहां से यहां तक है और ये दूरी बराबर है इसकी फोकस दूरी, क्योंकि अनंती का प्रतिबिंब फोकस पर आके बनता है, ये फोकस दूरी है एफ ओ। तो यह आ गया ए बी अपान एफ ओ, विच इज इक्वल टू ए बी अपान यू ई। यहां पर एक बात ध्यान देने की है कि जो यू ई है वो पीछे की ओर है इसलिए निगेटिव रहेगा, ये यू ई यहां ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक रहेगा। और इनटू एफ ओ अपान ए बी, इसलिए यम इज इक्वल टू माइनस ये ए बी से ए बी कटा एफ ओ अपान यू ई। ये तो जनरल हुआ, ये जनरल है, सामान्य सूत्र है। इस स्थिति में अगर आप देखें तो अब इसका हम
मान निकालते हैं दो स्थितियां। ये प्रतिबिंब जो बन रहा है ये स्पर्शदिश की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है या अनंती पर बन रहा है। तो नंबर वन, यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, जो प्रतिबिंब बन रहा है ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। अगर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो हम इसका मान निकाल लेते हैं वाना पानी व्यू का, तो नेत्रिका के लिए वन अपान वीई माइनस वन अपान यूई बराबर वन अपान यफी। या नेत्रिका जो प्रतिबिंब बनता है वो BE का मान DE है, D हो गया स्पर्श दिश की न्यूनतम दूरी पर, या वन अपान UE इक्वल टू वन अपान FE। और ये चूंकि उसी दिशा में बनता है तो ये यहां माइनस होगा तो यहां हो जाएगा प्लस वन अपान डी, क्योंकि वीई बराबर डी इस पर जिसकी न्यूनतम दूरी पर बनता है तो इसकी जगह डी रख दिया। इसलिए वन अपान यू ई बराबर वन अपान यू ई बराबर हमने इसको यहां जगह खाली कर दी मिटाया, तो ये जो है यहाँ से ये यहाँ आ गया। और इसीलिए वन अपान यू ई बराबर वन अपान यफ ई, इसमें हमने यफ ई को बाहर निकाल लिया तो यह रह गया वन और उधर यफ ई ऊपर चला गया, वन प्लस एफ ई अपान डी। समीकरण एक में मान रखने पर आवर्धन बराबर माइनस एफ ओ अपान यू का मान रख दिया एफ ई वन प्लस एफ ई अपान डी।
ये उस समय है जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, यानी VE बराबर D। यदि प्रतिबिंब अनंती पर बनता है, यदि प्रतिबिंब अनंती पर बनता है अगर अनंती पर बनता है तो नेत्रिका के लिए क्या होगा? वन अपान अनंती माइनस वन अपान यू ई बराबर वन अपान एफ ई। प्रतिबिंब अनंती पर बनता है, वन अपान एफ ई, इसीलिए वन अपान यू ई इक्वल टू वन अपान एफ ई, और इसीलिए आवर्धन यम इक्वल टू माइनस एफ ओ, और यू ई का मान रखा एफ ई तो आ गया एफ ई। तो ये हमारे पास दो स्थितियां हैं टेलीस्कोप के प्रतिबिंब बनने के लिए। या तो प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा और या प्रतिबिंब अनंती पर बनेगा। अगर अनंती पर हमने प्रतिबिंब बनाया तो उससे प्रतिबिंब को देखने में हमारी आंख को तनाव नहीं पड़ता, शांत आंख से हम देखते हैं। और यदि प्रतिबिंब को बहुत स्पष्ट देखना है और उसे थोड़े समय तक देखना है तो हम उसको स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनाते हैं, प्रतिबिंब बहुत ही साफ बनता है। ये तो हो गया हमारा जो दूरदर्शी है उसका आवर्धन, दूरदर्शी का आवर्धन। अब इस दूरदर्शी के आवर्धन से संबंधित हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब एक क्वेश्चन है जो हम लोगों ने भी एक दूरदर्शी निकाला है, किसी दूरदर्शी के अवदर्शक और नेत्रिका की फोकस दूरियां दी हैं। हमें अवदर्शक की फोकस दूरी दिया है एफ ओ 200 सेंटीमीटर, एफ ई 5 सेंटीमीटर, डी का मान दिया है इस पर जिसकी न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। तो पहली चीज तो ज्ञात करनी है कि दूरदर्शी की लंबाई कितनी होगी। दूरदर्शी की लंबाई का मतलब कि जो लेंस आगे लगा है, जो लेंस पीछे लगा है, उसके बीच की दूरी। जब सामान आँख से हम देखते हैं प्रतिबिंब को, तो पीछे वाला जो लेंस है जिसे हम नेत्रिका कहते हैं, वस्तु उसके फोकस पर रहती है, यानी यू ई बराबर या फी। और आगे वाला जो अवदर्शक है उसका प्रतिबिंब उसके फोकस पर बनता ही है, इसलिए दोनों लेंसों के बीच की दूरी होगी एफ ओ प्लस या फी। तो दूरदर्शी की लंबाई या कहते हैं दोनों लेंसों के बीच की दूरी भी उसी को कहते हैं, दूरदर्शी की लंबाई बराबर एफ ओ प्लस एफ ई, ये आएगा एफ ओ बराबर है 200
और एफ ई बराबर है 5 बराबर 205 सेंटीमीटर, 205 सेंटीमीटर, यू कैन राइट इट 2.05 मीटर। आप चाहें तो इसको मीटर में भी लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन लाइक 2.05 मीटर। आगे पूछा है जब प्रद्युम्न अंतिम पर बनता है तो आवर्धन कितना होगा। पहला आवर्धन एम इज इक्वल टू माइनस एफ ओ अपान एफ ई, ये बराबर हुआ एफ ओ बराबर 200 या फी इज इक्वल टू 5। ये 40 आया। बात है इसलिए इसका कोई भी मात्रक नहीं होगा। दूसरा है जब प्रतिबिंब इस प्रदेश की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो आवर्धन बराबर आएगा एम इक्वल टू माइनस एफ ओ अपान एफ ई 1 प्लस एफ ई अपान डी। टू हंड्रेड फाइव 1 प्लस 200 अपान 25। क्या गया आपका गड़बड़ हुआ ना, यह एफ ई अपान डी राइट, एफ ई इज 5 एंड डी इज 25। फाइव फाइव जा 5 आएगा, इसलिए आवर्धन बराबर हुआ माइनस 40 ये हुआ 5 बन जा 5
16/5। -48, इसलिए आवर्धन बराबर आया -48। जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो आवर्धन -48। ये इसका एग्जाम्पल है। ये तो होगा एक जो दूरदर्शी है उसका एक उदाहरण हो गया। हम लोगों ने अब तक जो पढ़ा है दूरदर्शी, उसमें हम लोगों ने लेंसों का प्रयोग किया। दो लेंस प्रयोग किए, एक तो बड़ा लेंस प्रयोग किया जो दूर से आने वाले प्रकाश के किरणों को एकत्रित करके उसका छोटा प्रतिबिंब बनाता है। फिर एक नेत्रिका छोटा लेंस लिया, उसने उसका बड़ा प्रतिबिंब बनाया। हमने लेंस का प्रयोग किया, लेकिन बड़ा सा बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए अवदर्शक बड़ा सा बड़ा होना चाहिए। बड़ा से बड़ा अवदर्शक लेना कठिन है, क्योंकि जो लेंस है वो बड़ा से बड़ा लेंस ढाला नहीं जा सकता। जब लेंस के पदार्थ को लिक्विड बनाते हैं, उसको लेंस ढालते हैं, तो बहुत सारे उसके अंदर एयर बबल्स के, हवा के बुलबुले आने की संभावना रहती है। अगर हवा का बुलबुला आ गया तो लेंस बड़ा सा भी बना लेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि जहाँ हवा का बुलबुला होगा वहाँ अपवर्तन दूसरे ढंग से होने लगेगा। तो एक तो प्रॉब्लम यह है कि बड़ा से बड़ा लेंस नहीं ढाल सकते, तो बड़ा सा बड़ा लेंस बना नहीं सकते। अब बहुत बड़ा लेंस बना नहीं सकते तो बहुत ज़्यादा प्रकाश को हम कलेक्ट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा प्रकाश बाहर से हम ले नहीं सकते, बहुत ज़्यादा प्रकाश नहीं ले पाएंगे तो बहुत दूर की वस्तुओं को बहुत साफ हम देख नहीं पाएंगे। बड़ा से बड़ा अभिदर्शक लिया जा सके वो लेंस में संभव नहीं। तो इस बड़ा सा बड़ा लेंस न लेकर के हम बड़ा सा बड़ा दर्पण ले सकते। अब दर्पण या तो हम पैराबोलिक ले लेंगे परवलयाकार, और या हम गोलीय दर्पण लेंगे। जो हम दर्पण लेते हैं, दर्पण बड़ा से बड़ा आप ढाल सकते हो, और बड़ा से बड़ा दर्पण ढाल देंगे तो दूर दराज के जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उनसे आने वाले प्रकाश को भी हम एकत्रित कर लेंगे। तो परावर्तन दूरदर्शी की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें जो अभिदर्शक है वो दर्पण रहता है, गोलीय दर्पण। गोली दर्पण या पैराबोलिक परवलयाकार गोली या परवलयाकार दर्पण हम अवदर्शक के लिए लेते हैं, क्योंकि गोलीय दर्पण या परवलयाकार दर्पण बड़ा से बड़ा हम बना सकते हैं, जितना बड़ा हम चाहें उतना बना लें। तो हम इतना बड़ा टेलीस्कोप का अवदर्शक बना सकते हैं कि दूर दराज से भी, बहुत दूर से छोटे छोटे जो हमारे उपग्रह या ग्रह हैं, उनसे आने वाले प्रकाश को भी हम कलेक्ट करके उसका प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो इस तरह का हम एक दर्पण ले लेते हैं, फिर इस दर्पण से हम प्रकाश को परावर्तित करते हैं और किरणों से 45 अंश पर झुका हुआ हम समतल दर्पण लगाते हैं। यहाँ भी प्रकाश की कोई भी मात्रा अवशोषित नहीं होगी, यहाँ भी प्रकाश की कोई मात्रा अवशोषित नहीं होगी, क्योंकि ये भी दर्पण है। दर्पण में प्रकाश का पूर्ण परावर्तन हो जाता है, कोई भी प्रकाश की मात्रा का अवशोषण नहीं होता, कोई भी ऊर्जा उसमें व्यय नहीं होती, वो भी पूरी ऊर्जा यहाँ परावर्तित हो जाएगी और प्रतिबिंब बन जाएगा। इस प्रतिबिंब को हम देखेंगे, एक छोटा सा लेंस तो हम ले ही सकते हैं,
इस छोटे लेंस को हम नेत्रिका कहते हैं, जो हमारी आँख के पास है, इसी से हम बनने वाले अंतिम प्रतिबिंब को देखते हैं। ये अंतिम प्रतिबिंब जो यहाँ किरणें यहाँ मिलती, यहाँ जो प्रतिबिंब बनता है, यही प्रतिबिंब हमको दिखाई पड़ता है। इस लेंस से प्रतिबिंब पीछे बनता हुआ दिखाई देता है। तो ये तो हो गया हमारा प्रतिबिंब। अब ये प्रतिबिंब जो हमको दिखाई पड़ता है, ये इसके कारण से ये किरणें जाकर के पीछे जाकर के एक प्रतिबिंब बना देती है जो हमको दिखता है। इसकी सहायता से हम देख लेते हैं। ये प्रतिबिंब बहुत ही साफ रहेगा क्योंकि जो किरणें आ रही हैं वो बहुत बड़े दर्पण से परावर्तित होकर आ रही हैं। इसी को हम कहते हैं परावर्तन दूरदर्शी। परावर्तन दूरदर्शी में एक किरण आरेख बनाना, किरणें कहाँ कहाँ से आकर के और कैसे प्रतिबिंब बनाती, इसका यही महत्व है। और इसका जो आवर्धन है, इसका आवर्धन ठीक वैसा ही है जैसे अनंती पर प्रतिबिंब बनता है उसमें, वैसा ही इसमें भी है। यफ ओ अपान यफी, ये इसका भी आवर्धन यही है, इसका आवर्धन भी यही है, इसका आवर्धन यही है, यफ ओ अपान यफी, ये आवर्धन है इसका, ये यफी है और इसकी फोकस दूरी यफ ओ है, यफ ओ और यफी आवर्धन से निकल आएगा। इसका लाभ क्या है? तो इसका जो लाभ है, इसका जो उपयोग है, पहला, बड़ा से बड़ा अपदृश्यक ले सकते हैं। अतः अत्यधिक दूर की वस्तु को भी देखा जा सकता है। दूसरा, जो लेंस रहता है उसके प्रतिबिंबों में रंग, अलग अलग रंगों का अपवर्तन अलग अलग हो जाता है, तो प्रतिबिंब रंगीन बनता है जिसके कारण उसकी तीव्रता कम हो जाती है। उसे हम कहते हैं वर्ण विपथन, रंग दोष। तो इसमें वर्ण विपथन का दोष नहीं रहता, वर्ण विपथन का दोष दूर हो जाता है, जिससे प्रतिबिंब बड़ा ही चमकीला दिखाई पड़ता है। तो ये है हमारा परावर्तन दूरदर्शी के बारे में जानकारी है। अब ये जो परावर्तन दूरदर्शी है, या जो दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी हम लोगों ने पढ़ा है, बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं कभी कभी। एक तो यह रहता है कि अगर किसी भी लेंस पर, चाहे वो अपदर्शक हो चाहे नेत्रिका हो, अगर वहाँ पर वो मक्खी बैठ जाए तो क्या होगा? क्या पूरा प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा या नहीं दिखाई पड़ेगा? मक्खी का प्रतिबिंब उस पर बनेगा कि नहीं बनेगा? वास्तव में जब लेंस के ऊपर कोई चीज़ रहती है तो लेंस उसका प्रतिबिंब नहीं बनाता। लेंस दूर की वस्तु का प्रतिबिंब तो बनाएगा, लेकिन जो उसके ऊपर रहेगी उसका प्रतिबिंब नहीं बनाता। इसे लेंस के ऊपर अगर मक्खी आ जाए या कोई कागज़ चिपक जाए तो उसका प्रतिबिंब नहीं बनाएगा, लेकिन उतनी दूर से प्रकाश नहीं जाएगा। उतनी दूर से जब प्रकाश नहीं जाएगा तो प्रकाश की मात्रा कम हो जाएगी, जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी तीव्रता घट जाएगी, लेकिन प्रतिबिंब का भाग पूरा बनेगा। ऐसा नहीं है कि कोई हिस्सा कम है तो प्रतिबिंब कम बना। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास ये लेंस है
और इस लेंस का इतना भाग हमने पेंट कर दिया, इतना भाग नीचे का और इतना भाग ऊपर का हमने पेंट कर दिया। तो जो प्रतिबिंब बन रहा था, प्रतिबिंब तो उतना ही बना बनेगा, प्रतिबिंब में आकार में कोई अंतर नहीं आएगा। वो इसलिए नहीं अंतर आएगा कि जो प्रतिबिंब बनाता है वो लाखों करोड़ों किरणें जाकर प्रतिबिंब को बनाती हैं, वो सब किरणें जा रही हैं, खाली इतनी किरणें नहीं जा रही हैं, इसलिए इतनी किरणों का इसमें योगदान नहीं रहेगा, तो इस प्रतिबिंब की तीव्रता कम हो जाएगी, इसकी तीव्रता घटेगी। बाकी इसका प्रतिबिंब पूरा बनेगा, चाहे आप इतने को पेंट कर दें और चाहे आप इसको काट तोड़ दें, आपका लेंस टूट जाए और लेंस केवल आपके पास इतना ही बचे, तो भी प्रतिबिंब पूरा ही बनेगा, क्योंकि लेंस की वक्रता तिज जाए तो दोनों हैं, पृष्ठ दोनों हैं, फोकस दूरी वही होगी, सब कुछ वही होगा, केवल अंतर यह होगा कि प्रतिबिंब का की चमक कम हो जाएगी। तो लेंस के किसी भी हिस्से को तोड़ दें, काट दें, प्रतिबिंब पूरा बनेगा। ये मान लीजिए लेंस है, अगर इस लेंस को आपने यहाँ से काट दिया दो भागों में, तब भी प्रतिबिंब पूरा बनेगा। अब ये है कि अगर इस लेंस को आपने इस तरह से काट दिया, इस तरह से, तब फिर प्रतिबिंब तो पूरा बनेगा, लेकिन तब जो फोकस दूरी होगी वो बदल जाएगी, इसलिए प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब का स्थिति भी बदल जाएगी, क्योंकि इसमें आपने जब काट दिया तो पूरा लेंस का स्वरूप नहीं रहा, यहाँ तो पूरा स्वरूप है लेंस का, दोनों वक्रता तिज्याएँ हैं, लेकिन कट जाने के बाद इसकी वक्रता तिज्याएँ बदल गई, एक अलग हो गई, एक अलग हो गई। तो ये छोटी छोटी जानकारियाँ हैं इस लेंस में, बस आज तो इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन अथवा हमारे सोशल साइट्स पर जाकर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।